Bell cut. हेलो गाइस, दिस इज डीजे मोंटी हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजे मोंटी व्लॉग्स। तो ये लॉकडाउन की सबसे फर्स्ट वीडियो होने वाली, लॉकडाउन के बाद में मैंने ये क्रिएट की है, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर क्रॉसओवर है बैलेंजर का X3400। इसके अंदर मैं इसका क्लोज लुक बताऊंगा आपको, इसका रिव्यू बताऊंगा, मैं इसकी टेस्टिंग आपको बाद में बताऊंगा, जब मेरा प्रोग्राम होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो लाया हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉर्नर को ऑन का पावर बटन है, तो उसको ऑन कर लेते हैं। देख सकते हो LED ऑन हो चुका है। हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कॉर्नर से। होप गाइज आपको वीडियो में पूरा दिख रहा हो। सबसे पहले ये इनपुट का ऑप्शन है, हम इसको इनपुट करेंगे एम्पलीफायर से। तो ये इसका हम बोल सकते हैं इसका वॉल्यूम बटन है, हम इसको कितने dB तक इसको ओपन कर सकते हैं। देन ये लो कट, यहाँ से डायरेक्ट हमारे फ्रीक्वेंसी, लो कट की फ्रीक्वेंसी, बेस की फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट के बंद हो जाता है यहाँ से। देन इसके बाद लो मिड का ऑप्शन है। ये लो मिड इसके अंदर हमको देखे रखा है 440 हर्ट्ज से लेकर 9 kHz तक का। इसको हम अपने साउंड के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट ये 120 dB तक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट करता है। देन इसके बाद ये नेक्स्ट है हाई मिड का, देख सकते हो आप। देन ये लो डीले, हम बेस को कितने देर तक हम इसको डीले मिल सकता है हमको। देन इसके बाद ये लो आउटपुट का है, उसके बाद ये मीट का स्विच है, ये लिमिटर का स्विच है, देख सकते हो आप। देन उसके बाद ये लो मीट का ऑप्शन है, हम इसको यहाँ से म्यूट कर सकते हैं, इसमें भी हम लिमिटर लगा सकते हैं। एक्चुअल में अभी ये पीछे से 3-way मोनो मोड में है, 3-way स्टूडियो मोड में, तो इसलिए ये अभी वर्क नहीं करेगा। देन इसके बाद ये हाई का ऑप्शन है, हम इसको यहाँ से डायरेक्ट म्यूट कर सकते हैं। उसके बाद CD हॉर्न का ऑप्शन है ये, और ये यहाँ से लेकर के इधर तक के पूरे फंक्शन सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो भी मैंने आपको बताया पूरा सब फंक्शन सेम है। ये वही लो कट, मिड, लो डिले, लो का आउटपुट, मिड, हाई आउटपुट, हाई का, ये सारे सबके म्यूट के स्विचेस हैं। हम इसको डायरेक्ट यहाँ से स्विच कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। देन इसके बाद सबसे मेन फंक्शन आता है ये, जो कि इस क्रॉस ओवर में सबसे अच्छी बात बताई है, थ्रीफोल्ड लिमिटर दे रखे हुए हैं इसको, 3-way 4-way, और इस पोजीशन के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद में ऑप्शन देखेंगे इनको, नॉर्मल और सम का, लो सम का, ये बेस के लिए ऑप्शन होता है एक्चुअल में। देन हाई, मिड और लो फ्रिक्वेंसी, देख सकते हो आप। और ये बैलेंजर का ब्रांडिंग। तो कुल मिला के ये इसका रिव्यू था।